में एडमिशन करवाने जाते हैं तो ये सुरक्षा मापको को नजरअंदाज करते हैं, कम पैसे भी देखते हैं और सुरक्षा मानकों का को नज़रअंदाज करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कोचिंग संस्थान में अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, इमरजेंसी गेट है या नहीं है। कोचिंग कहते हैं कि कौन है यार, अच्छा बिहारी हो, अच्छा ठीक है यहाँ से हो, अच्छा इस क्षेत्र के हो, अनपढ़ गवार, सब पता नहीं क्या क्या शब्द से नवाज देते हैं। बिहारी को तो तवज्जो नहीं दिया जाता, वैल्यू ही नहीं, मतलब क्या क्या उनके शब्दों से नवाजे जाते हैं यार हमको। तुम 12 बजे डिस्टर्ब कर रहे हो, बताओ तुम 12 बजे कैसे डिस्टर्ब कर, रात के 2 बजे आप गए थे, प्रतिष्ठा का सवाल है। कहा तो गांव जवार में लोग कही कि बेटवा गए रहो पढ़े, अला सब 2 साल बाद का कैल हो, तार सब सारा पैसा तो डुबा दलस। ये प्रेशर अपना प्रेशर कम करने के लिए उस बच्चों पर थोपा जाता है कि तुम में हमने 2 साल मेहनत किया, तुमको वो क्यों नहीं तुम्हारा निकल रहा है। बच्चे भी क्या होता है, मतलब कैसे सुधरेगा, कैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी। ऐसे में प्रशासन को इस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। प्रशासन का क्या है, जैसा शुभम जी बता रहे थे DM गए हैं एक दिन छापा मारेंगे, और किस कोचिंग संस्था में छापा मार रहे हैं, जिसमें AC लगा है, जिसमें लिफ्ट लगा है, जिसमें सारा मानक कोचिंग संस्थानों पहले से तैयार कर रखा है। पहले वो नोटिस देते हैं कि तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं छापा मारने के लिए, कीजिए हर महीने में कम से कम 2-3 बार प्रशासन को तो छापा मारना ही चाहिए, औचक निरीक्षण करना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा शुभम, जिस तरीके से आप आज तमाम कोचिंगों में गए, कोचिंग वाले से बात की आपने, अच्छा उन्होंने क्या कहा, आपको अंदर आने से मना किया या फिर वो हमारे कैमरा दर्शकों को बताया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए वैसे तो हम राजनीति की खबरें करते हैं, भारत लाइव इसी के लिए जाना जाता है कि पॉलिटिकल खबरें भारत लाइव करता है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से हादसा हुआ आज, उस खबर को लेकर हम आए हैं, उस खबर को करने के लिए हम मजबूर हो गए। दिल्ली में जो वारदात हुई, छात्र छात्राओं की जान चली गई, कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में ये चीज़ डर बना दी है। इसी खबर को करने के लिए हम मजबूर हो गए हैं। अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो आपको ये खबर पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर कहीं ना कहीं आपके और आपके बच्चे से जुड़ी हुई है। आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और बाहर जब दिल्ली में ऐसी खबरें निकल कर आती है, ऐसे हादसे निकल कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एक तरीके से घबरा जाते हैं। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी बैठे हैं, तो शुभम है और रत्नेश है। पहले मैं शुभम से बोलूँगी, शुभम जिस तरीके से ये दिल्ली में हादसा हुआ, कहीं ना कहीं रूह कपा देने वाला हादसा था। पेरेंट्स जो हैं एक तरीके से आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बच्चा वहाँ है, और उन वो बच्चे भी आँख में है कि हाँ मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है। लेकिन अब जो दिल्ली में जिस तरीके का हादसा हुआ है, कैसे देख रहे हैं, पहले तो मेरा यही सवाल है, कैसा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले तो भारत लाइव की पूरी टीम की तरफ से वो जो 3 छात्र छात्राएँ की मौत हुई है, उनको श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और कहीं ना कहीं यह जो हादसा है वह दिल दहला देने वाला है। आपने सही कहा, जिस तरह से बिहार के बच्चे दिल्ली जैसे जगह पर जाते हैं जहां पर तमाम कोचिंग संस्थान मौजूद हैं, एक परिवार वाले जो है अपने बच्चों को एक आशा के निगाहों से देखते हैं, एक आस की निगाहों से भेजते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पर पढ़ेगा, लिखेगा, UPSC क्रैक करेगा और अफसर बनेगा। एक अफसर बनने के सपने संजोए एक छात्र या छात्रा दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे जगहों पर जाता है और वहाँ पढ़ाई करता है, और जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि बेसमेंट में पानी घुस जाने के कारण एक तीन छात्राओं की मौत हो जाती है, इसमें बिहार के एक औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड की भी बेटी है जिसका नाम तान्या है, तान्या के माँ बाप जो हैं परेशान हैं, वह लगातार रो बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बेटी 24 साल की थी और हमने उसे पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा था, हम लोगों ने सपने संजोए थे कि हमारी बेटी शुरू से तेज़ थी, पढ़ने में तेज़ थी, और हम लोगों ने एक बेटी को भेजा था दिल्ली पढ़ने के लिए, और इस तरह का हादसा होना कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो पाएगा, कि मेरी बेटी का इतना दर्दनाक मौत हो पाएगा जहां पर 12-13 फीट पानी जो है बेसमेंट में भर जाता है, और उसमें तान्या संघर्ष करती रहती है वहाँ से निकलने के लिए, और उसके बाद इमरजेंसी गेट भी उसका लॉक हो जाता है और नहीं निकल पाती है और उसकी मौत हो जाती है। सभी बच्चों को तो कहीं ना कहीं निकाल लिया गया, लेकिन तान्या फंस जाती है। वही मैं कह रहा हूँ कि तान्या जो है वह फंस जाती है उसके अंदर। वह रात में अपने कोचिंग संस्थान में ही लाइब्रेरी था, उस बेसमेंट के अंदर ही लाइब्रेरी बनाया गया है, और उस लाइब्रेरी के अंदर ही तान्या पढ़ रही थी, और अचानक से क्या होता है कि बारिश के कारण लाइब्रेरी की दीवार जो है वह टूट जाती है और पूरा पानी जो है अंदर बेसमेंट में चला आता है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार कब सजग होगी, कब जगेगी सरकार, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो। आज बिहार सरकार, साथ ही साथ पटना के DM ने आदेश पारित किया है कि तमाम कोचिंग संस्थानों की जांच हो, लेकिन क्या जांच सही मायने में हो सकेगा, क्या
कोचिंग संस्थानों, 2 सप्ताह के अंदर जांच भी करना है, 20,000 कोचिंग संस्थान सरकार के डाटा में। अच्छा अच्छा, जहां तक मैंने ये खबर की थी तो 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी है, तो क्या लगता है कि 2 हफ्ते में किस तरीके से रिपोर्ट, एक सही रिपोर्ट सौंपा जाएगा या बस खानापूर्ति? देखिए, खानापूर्ति ही किया जाएगा, क्योंकि 2 सप्ताह में 20,000 कोचिंग संस्थानों को चेक करना कि सुरक्षा मानकों से वह कोचिंग संस्थान कितने सटीक बैठ मतलब कितने सटीक हैं और उनमें सुरक्षा के मानक कितने हैं, जैसे अग्निशामक यंत्र हो गए, इमरजेंसी गेट है या नहीं कोचिंग संस्थान में, साथ ही साथ अगर कोई चीज़ अनहोनी हो जाती है तो कैसे सुरक्षा के बचाव के उपाय हैं। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में इमरजेंसी गेट भी होता है, ठीक उसी तरह कोचिंग संस्थानों में भी इमरजेंसी गेट होना चाहिए। पटना के कई ऐसे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो संकीर्ण गलियों में हैं, अगर आग लग जाती है तो वहाँ पर अग्निशामक यंत्र तो हो रहता ही नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है उस कोचिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का जमावड़ा होता है, बच्चे क्या हैं, बच्चे तो चाहते हैं कि जिस कोचिंग में ज़्यादा भीड़ है वहाँ, आजकल के बच्चों का भी दोष है, उनके परिवार वालों का भी दोष है, परिवार वाले भी देखते हैं कि जिस कोचिंग संस्थान में ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही होगी, वहाँ पर एडमिशन करवा देते हैं, परिवार वाले कोचिंग संस्थान में एडमिशन करवाने जाते हैं तो ये सुरक्षा मापकों को नज़रअंदाज करते हैं, कम पैसे भी देखते हैं और सुरक्षा मानकों का को नज़रअंदाज करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कोचिंग संस्थान में अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, इमरजेंसी गेट है या नहीं है, कोचिंग संस्थानों में बिजली की समुचित व्यवस्था है या नहीं है, क्या हमारे बच्चे कोई ऐसे अनहोनी में फंस जाएंगे तो वो अपने आप को कैसे सेफ करेंगे, ये तमाम चीज़ें परिवार वाले नहीं देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दुखद है। और ये चीज़ आज के बिहारवासी हों, भारतवासी, उनको देखना होगा और तभी जाकर ये तमाम चीज़ें सुधरेंगे। चलिए, तो शुभम से मैंने बात की, रत्नेश से भी मैं पहले ये पूछा चाहूँगी। रत्नेश, जिस तरीके से दिल्ली में ये हादसा हुआ है, क्या लग रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही थी, कोचिंग वाला लापरवाही बरत रहा था, और जब इतने सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे क्यों? सरकारी इंस्टीट्यूशन में शिक्षक कितने हैं, इसका आंकड़ा है क्या किसी के पास में? सरकार की गलती आप बता रहे हैं? सरकार की बिल्कुल गलती है, सरकारी इंस्टीट्यूट में जो सरकारी कोचिंग में जो शिक्षकों का एक मानक है, वैकेंसी निकलेगा तब तो शिक्षक जाएंगे ना वहाँ पे, वैकेंसी ही नहीं निकलती है या फिर शिक्षकों को भरा जाता है तो प्राइवेट शिक्षक आके उसमें भरते हैं। इसमें विफलता सरकार की है, सरकार बहुत प्रमोशन पे ध्यान नहीं देता है। सरकारी कोचिंग सेंटर हैं कई जगहों पर, आपने देखा बिहार सरकार की भी एक अच्छी पहल है जहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए इसमें कैटेगरी बांट दिया गया है, गरीब छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग संस्थान रहेंगे, जो गरीब से थोड़ा सा ऊपर है मध्यम वर्गीय वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए पैसा लगेगा, मतलब यहाँ पर भी बांट दिया गया है एक तरीके से कहें। दिल्ली की जो घटना घटी है वो बेहद दुखद है, बेहद शर्मनाक है, ये शर्मसार करने वाली जो घटना है बीजेपी के लिए भी है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, और ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि बिहार में जितने भी युवा नेता इस वक्त बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि आने वाले वक्त में वो बिहार के सीएम बनेंगे, देश भर के ऐसे युवा नेता जिनको लगता है कि आने वाले भविष्य में वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको शर्म से मुझे लगता है कि भाग जाना चाहिए। जिस तरीके से ये दिल्ली सरकार में, ये पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी है दिल्ली में कि पानी जम रहा है, पानी हमेशा जमता है, हर साल बरसात में जमता है, ये दिल्ली की समस्या नहीं है, वो हर राजधानी की समस्या पे है जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम फेल है। अपने क्या राजधानी पटना में ड्रेनेज सिस्टम सब जगह सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बरसात जब शुरू होता है ना तो राजधानी पटना का सड़क कबड़ना शुरू हो जाता है, और ऐसा मतलब पता नहीं कौन से इंजीनियर हैं, कौन से दिमाग वाले यहाँ पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं, कहाँ से क्या पढ़ाई करके आते हैं कि बरसात में उखाड़ो कबाड़ो कर देते हैं, और जितना नाला का पानी होता है, जितना सारा आसपास का जल जमाव का पानी होता है, सारा कुछ आकर एक जगह जमेगा और फिर क्या होगा, ओवरफ्लो होता है। 2019 में क्या हुआ था, यही हुआ था ना, पटना में कई ऐसे घर थे जो डूब गए थे, पटना में कई ऐसे जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं उनकी मौत हो गई थी। एक रिक्शा चालक का एक फ़ोटो वायरल होता है जो बेहद दुखद फोटो होता है, वो अपने रिक्शा पर बैठे बैठे वैसे ही मर गया। ये किसकी विफलता है, सरकार की विफलता है? 5 साल में सरकार चुनाव के समय खूब मेहनत करेगा, रात के 2 बजे 3 बजे खूब लोगों के दरवाजे पर जाएगा, प्रणाम वोट दीजिएगा, प्रणाम करते हैं हम आपके साथ काम रहेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एसी कमरों में जा कर के बैठ के आराम से कहते हैं कि कौन है यार, अच्छा बिहारी हो, अच्छा ठीक है यहाँ से हो, अच्छा इस क्षेत्र के हो, अनपढ़ गवार, सब पता नहीं क्या क्या शब्द से नवाज देते हैं, को तो नहीं दिया जाता वैल्यू ही नहीं, मतलब क्या क्या उनके शब्दों से नवाजे जाते हैं, यार हमको तुम 12 बजे डिस्टर्ब कर रहे हो, बताओ
तुम 12 बजे कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो, रात के 2 बजे आप गए थे जब उनके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, तो क्या वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे? रात के 2 बजे आप जाते थे उनका दरवाजा खटखटाते थे, वोट दीजिएगा ना हमको, हम आपके लिए काम करेंगे, तब आप कहाँ रहते हैं? इस तरीके से ये स्थिति है सरकार की। दिल्ली में जो घटना घटी है वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी बेहद शर्मसार होने वाली है। से दावा करते हैं कि दिल्ली को लेकर वहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री रहते हैं दिल्ली में, अगर उनके घरों में पानी घुस जाए, देखिए आज सुशील मोदी नहीं है, सुशील मोदी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 2019 का बाढ़ याद कीजिए, जब उनको क्या ऐसे रेस्क्यू करके निकाला गया था राजेंद्र नगर में, तो हाफ पॉइंट पर जब नजर आए थे, कितना दुखद तस्वीर था वो, एक डिप्टी सीएम के घर पे इस तरीके की स्थिति हो गई थी कि उनको रेस्क्यू करके निकाला गया, क्या शुभम जी, जब हम लोग सुनते देखे कि अरे बाप रे डिप्टी सीएम है, इनको रेस्क्यू किया गया है, ये उस समय उनकी ही सरकार थी, जबकि बिहार में उनकी ही सरकार थी, एनडीए गठबंधन की सरकार थी, और ये जब एनडीए गठबंधन की सरकार में हो जाए तो समझिए लापरवाही कितनी बड़ी है। राजधानी पटना में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां पर, जैसा कि शुभम बता रहे थे कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा कि ये भी शुभम बता रहे थे दिल्ली में ऐसे ऐसे संकीर्ण गलियों में कोचिंग संस्थान चलते हैं, पटना में भी चलते हैं, जहां पर अगर आग लग जाएगा या फिर कुछ अनहोनी घटना घट जाएगा तो निकलने तक का रास्ता नहीं रहता है वहां पर, वहां पर अग्निशामक विभाग की गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, बच्चे तड़प तड़प के वहां पर मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। गलती गार्जियन के भी है, उनको लगता है कि अरे मास्टर साहब तो ठीक कर दिए हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कमे पैसा में पढ़ा देंगे, अब भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, भेज देंगे बच्चा को तो बच्चा निकल जाएगा, लेकिन उस भीड़ में बच्चा जब पीछे जाकर बैठता है ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बच्चा उधर से मास्टर साहब उठ अभी पूछिए रहा है तो पता चलेगा समय खत्म, मास्टर साहब चले गए, फिर दूसरे मास्टर साहब आए, दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ाई शुरू हो गया, पहले सब्जेक्ट का डाउट क्लियर ही नहीं हुआ, दूसरे सब्जेक्ट पे वो भिड़ गया, ऐसे में कैसे पढ़ाई होगी? पटना में लगभग जिस तरीके से आप देखेंगे कि मुंबई में जैसे एक्टर बनने के लिए पर डे वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ से 10 लाख लोग रिटर्न होते हैं पूरे प्रक्रिया के तहत, वैसे ही राजधानी पटना हो, दिल्ली हो, कोटा हो, कई जगहों पर ऐसे ही लाखों छात्र जाते हैं पर डे और अधूरा सपना लिए फिर वापस बैक टू पब्लिक ने अपने घर पे जाके वापस भी नहीं आ पाते, वापस भी वो नहीं पाते, कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कहीं लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये गलती अभिभावकों की भी है, अपना जो ड्रीम होता है ना वो थोपते चले जाते हैं अपने बच्चों पर कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, भले उसको उस चीज़ पे मन लगे चाहे ना लगे, पेंटर बनना हो, हाँ उसको कुछ कर नीट की तैयारी करनी है, तो एकदम प्रेशर डाले हैं कि नहीं प्रतिष्ठा का सवाल है, कहा तो गांव जवार में लोग कही कि बेटवा गैर पड़े अलस सब 2 साल बाद का कह लो तार सब सारा पैसा तो डुबा दे अलस, ये प्रेशर अपना प्रेशर कम करने के लिए उस बच्चों पर थोपा जाता है कि तुम में हमने 2 साल मेहनत किया तुमको वो क्यों नहीं तुम्हारा निकल रहा है। बच्चे भी क्या होता है मतलब अब जैसे संगत से गुड़ा थे संगत से गुड़ जाए बच्चे, वो क्या है कोचिंग संस्थान में कहीं अगर कम पैसा लग रहा है तो कहे कि चले भाई इसमें कम पैसा लग रहा है चलो चलते हैं पढ़ लेते हैं, भले पढ़ाई कैसी भी हो चौपट चौपट भविष्य हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर मानक क्या है, पंखा चल रहा है एकदम बच्चा गर्मी में तड़प रहा है, आपने देखा होगा कई छात्राओं को हमने बेहोश होते देखा है कोचिंग संस्थानों में। शुभम जी तो बहुत जगह कोचिंग संस्थान में आप घूमते हैं, आप देखते हैं 3 तल्ला बिल्डिंग पर जाके नीचे मार्ट साहब एसी में पढ़ा रहे हैं, ऊपर 3 तल्ला पे पंखा के हवा में जो मतलब उमस वाली गर्मी होती है उसमें जाकर बच्चियाँ पढ़ रही हैं, किस लिए? सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। जो मानक दिया गया है कोचिंग संस्थानों में कि आपके पास मतलब मेडिकल किट होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ग्लूकोज डी का एक मतलब डब्बा रहना चाहिए, मेडिकल किट में सब कुछ रहना चाहिए आपके पास, अग्निशामक विभाग का व्यवस्था करने के लिए आपके पास होना चाहिए, किसी बच्चे का अगर तबीयत खराब हो गया आसपास में आप कैसे उसे पहुंचाएंगे, एक मिनी एम्बुलेंस तो उनके पास मतलब टेम्प्रोरी होना ही चाहिए, हम नहीं कहते कि एम्बुलेंस रखिए लेकिन एक गाड़ी का व्यवस्था टेम्प्रोरी तो रखना ही चाहिए ना। आप देखते होंगे कई बार हम देखते हैं कि अचानक से कोई ऐसी घटना घटती है 3 तल्ला पर से लिफ्ट भी नहीं है, चढ़ने के लिए उतरने के लिए लिफ्ट भी नहीं है, मुसलमपुर हाट में चल जाइए कई ऐसे बड़े बड़े ब्रांड के कोचिंग संस्थान हैं जो अपने आप कहते हैं कि हम यहाँ से ब्रांड निकालते हैं, बेशक उनके यहाँ से कोचिंग संस्थान से निकलते हैं अच्छे अच्छे जगहों पर बच्चे आज पोस्टेड हैं, बिहार पुलिस हो, बैंक हो, SSC हो, नीट में मेडिकल की तैयारी करने निकलते हैं, लेकिन बहुत जगह पर अब क्या है लिफ्ट लगवा देंगे ना मार्ट साहब तो खर्चा उनका कहाँ से निकलेगा, बच्चों से पैसा निकलवाएंगे, कहेंगे कि इस बार बढ़ गया पैसा,
पता चला कि अगर इस बार इस बैच में नहीं निकालेंगे तो अगले बैच में जब आएगा ना तो रखेंगे 2.5 लाख रुपया, उसमें सर स्कॉलरशिप मारेंगे 50,000 कम हो गया, 2 लाख तो फिक्स है कि उनका रहेगा ही रहेगा। तो ये मार्ट से आजकल के कोचिंग संस्थानों का क्या हो गया ना, एक बाजार हो गया है पूरा तरीके से। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप टैलेंटेड है, पढ़ते हैं, तो आप जाइए कोचिंग संस्थान एक खोल दीजिए, देखिए आपके पास कितना भर जाएगा। मुझे याद है, मैं सिवान ज़िले से आता हूँ, सिवान ज़िले में जब हम लोग कोचिंग पढ़ने जाते थे तो बहुत कोचिंग संस्थानों का एक फंडा था कि 100 बच्चों से ज़्यादा अगर होगा तो हम कोचिंग मतलब क्लास नहीं लेंगे, 100 बैच के बाद ये करेंगे। लेकिन अभी जब मैं सिवान में जाता हूँ ना, एकदम पतले पतले गलियों में छोटे छोटे जगहों पर देखता हूँ कोचिंग संस्थान चल रहा है, उसमें 250-250 बच्चे हैं, 300-300 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। वही पैटर्न पटना में भी चल रहा है, कैसे सुधरेगा, कैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी? ऐसे में प्रशासन को इस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। प्रशासन का क्या है, जैसा शुभम जी बता रहे थे, डीएम गए हैं एक दिन छापा मारेंगे, और किस कोचिंग संस्था में छापा मार रहे हैं, जिसमें एसी लगा है, जिसमें लिफ्ट लगा है, जिसमें सारा मानक कोचिंग संस्थानों पहले से तैयार कर रखा है। पहले वो नोटिस देते हैं कि तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं छापा मारने के लिए, अब नोटिस आप दे दीजिएगा तो उसको पता नहीं है क्या क्या चाहिए हमको, वो सारा कुछ लगा दिया, दीवार पर सेट कर दिया, सब कुछ दिखा दिया। अरे वैसे कोचिंग संस्थानों में जाइए जहाँ पर मुसल्लमपुर हाट, बाजार समिति, इन जगहों पर जाइए जहाँ पर क्या स्थिति है इस वक्त, दयनीय स्थिति वहाँ पर, मतलब एकदम कंजेस्टेड एरिया है। उस जगह पर आप जाइए एकदम छात्र ही निकल रहे हैं, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कहाँ से छात्र अचानक छूटे हैं, पूरा भाग दौड़ हो रहा है वहाँ पर छात्र, मतलब बहुत विकट स्थिति है। अगर इस चीज़ को नहीं सुधारा गया, क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, पार्किंग का भी व्यवस्था नहीं है, आधा जगह तो पार्किंग का छिका जाता है उनका। अगर कुछ हो जाए तो मुझे लगता है कि निकलने का भी समय नहीं मिलेगा, रास्ता ही नहीं मिलेगा। जैसे दिल्ली में हुआ कि बेसमेंट में पानी भर गया, लॉक हो गया, एक तो इतना हाईफाई लोग बना देते हैं ना कि एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है। अब जैसे ही पानी भरेगा, इमरजेंसी गेट अपने आप बंद हो जाएगा, पता चले कि क्या तो सेंसर लगा हुआ है कि बहुत ये ना हो कि भाई कोई बाहरी आदमी ना आ जाए। अरे भाई एक एग्जिट गेट रखिएगा ना, बेसमेंट में कौन लाइब्रेरी बनाता है, पैसा बचाने के लिए। पैसा आप ले लीजिएगा ज़्यादा, लेकिन पैसा आप बचा रहे हैं, बेसमेंट बना दिए। पटना में भी ये चल रहा है, बेसमेंट के अंदर मैं देखता हूँ कि कंजेस्टेड एरिया में, पुनाई चौक एरिया में जाइए, बहुत सारा ऐसा कोचिंग संस्थान है जो बेसमेंट के अंदर चलता है, छात्र छात्राएं परेशान रहती हैं वहाँ पर, क्या तो जगह नहीं है निकलने का, पार्किंग से जगह भर जाता है। तो ये परिस्थितियाँ हैं, प्रशासन को मुझे लगता है इस पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्या क्राइटेरिया, एक मतलब मानक तय होना चाहिए, सीरियसली होना चाहिए, बिल्कुल एक सीरियसली मानक तैयार होना चाहिए कि ये मतलब क्राइटेरिया है तो इसे पूरा कीजिए। हर महीने में कम से कम 2-3 बार प्रशासन को तो छापा मारना ही चाहिए, औचक निरीक्षण करना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा शुभम, जिस तरीके से आप आज तमाम कोचिंगों में गए, कोचिंग वाले से बात की आपने, अच्छा उन्होंने क्या कहा, आपको अंदर आने से मना किया या फिर वो हमारे कैमरा दर्शकों को बताइए। देखिए पटना डीएम ने निर्देश जब जारी किया उसके बाद से कोचिंग संस्थान वालों ने संस्थानों ने अपने आप को सुधारना चालू कर दिया है। अब क्या है कि पटना में जहाँ पर 4 कमरों में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, वो जब से ये आदेश निकला है कि कोचिंग संस्थानों का चेक किया जाएगा, उन पर छापा मारा जाएगा, सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी, तब से कोचिंग संस्थान वाले सजग हो गए हैं। वो जो हैं शटर गिराकर अब अंदर पूरा कार्यक्रम चालू किए हुए हैं, ठीक है, अग्निशामक यंत्र ला रहे हैं, बेंच की व्यवस्था सही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था सही कर रहे हैं, जिस जहाँ पर इमरजेंसी गेट नहीं है वहाँ पर इमरजेंसी गेट बनाया जा रहा है, ठीक है, इमरजेंसी गेट भी बनाया जा रहा है कि अगर हमारे कोचिंग संस्थान को चेक किया जाए तो सभी मानक जो है वह सही निकले। तो कहीं ना कहीं और प्रशासन की भी कह सकते हैं कि प्रशासन पे भी सवाल है कि जब ऐसी बड़ी घटना, दिल्ली जैसी घटना हो जाती है तब इन लोगों का नींद खुलता है, कुंभकर्ण का नींद जो है वह तब जाके ये जगते हैं, और उसके बाद लेटर निकालने के बाद जो है और उसके बाद छापा मारा जाता है, जो समय मिल जाए कोचिंग संस्थान वालों को, और उसके बाद वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपना बिल्डअप कर लें। सुबह में लेटर निकाला, बिल्कुल सुबह में लेटर निकल गया, और पूरे दिन जो है कोचिंग संस्थान वालों ने अपने आप को सही किया है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर, और सबसे एक चीज़ और है कि छात्रों को भी इसका दोष देना पड़ेगा, छात्र जो हैं इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। पटना के कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, बच्चे समझ गए होंगे, जहाँ पर यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, काफ़ी उस कोचिंग संस्थान का रील्स भी वायरल होता है, जहाँ पर बच्चे जो है सर का रील्स बनाते हैं और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, बच्चे इसी में लगे हुए हैं कि रील्स बनाएंगे सर का और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे तो ज़्यादा व्यूज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी बड़ी लापरवाही है कि बच्चे जो हैं और चाहते हैं कि हम उसी कोचिंग संस्थान में जाएं जहां पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि वहां जाकर हम सर के साथ सेल्फी लेंगे, उनके वीडियोज़ जो हैं, उनके कॉमेडी करते हुए वीडियोज़ जो है वो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चढ़ाएंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर और ज़्यादा फॉलोअर्स मुझे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों की लापरवाही है,
पेरेंट्स की लापरवाही है और कोचिंग संस्थान वालों की तो 100% लापरवाही है। ग्लैमरस डालते हैं, ग्लैमरस डाल दिए हैं कोचिंग संस्थानों में। एक तड़का जो होता है ना कि कोचिंग संस्थान, इस कोचिंग संस्थान में एक अलग प्रकार का तड़का है, यहाँ पर जाएंगे तो कुछ अलग स्वाद मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, नेम फेम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से धरल्ले से कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं, 20,000 कोचिंग संस्थान सरकार के रिकॉर्ड में है, लेकिन मुझे लगता है कि पटना में मुझे लगता है कि कम से कम 30,000 कोचिंग संस्थान होंगे जो विदाउट रजिस्ट्रेशन के भी कोचिंग संस्थान होंगे, जिनके कोई भी सुरक्षा मानक नहीं है। 3-4 कमरों में 5-6 सब्जेक्ट विषयों की पढ़ाई हो रही है, 4-5 फैकल्टी के जो टीचर्स वहाँ पे हैं, और ऐसा नहीं एक टीचर जो है वहाँ भी पढ़ाते हैं और 10 जगहों पर भी पढ़ाते हैं। अच्छा शुभम, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरीके से ये निरीक्षण के लिए निकाला गया है, आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि कितने दिन तक कोचिंग वाले ऐसा करेंगे या कितने दिन तक सरकार इसको लेकर अलर्ट रहेगी? देखिए, बिहार में कोई भी नियम कानून निकलते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, 7-10 दिनों तक ये खेल चलेगा। उसके बाद रिपोर्ट खाना पूर्ति करके रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि 20,000 कोचिंग संस्थान को चेक किया जाएगा और उसके बाद फिर से ये धड़ल्ले से खेल चलेगा और फिर ऐसी घटना जब तक ना हो तब तक ये लोग नहीं जगेंगे। और आप रत्नेश भाई कह रहे थे अशोक राजपथ में तो ऐसी हाल है जैसे मछली का बाजार बना हुआ है, वहाँ पढ़ाई होती है। एक गेट है और एक गेट से आप एंट्री करेंगे तो उस कैंपस में लगभग 20-25 कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, सभी के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। जैसे रत्नेश भाई कह रहे थे कि पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं है, लोग बच्चे जो है साइकिल मोटरसाइकिल ऐसे ही लगाए हुए हैं। अगर मान के चलिए कि आग लग जाती है कोचिंग संस्थान में, या फिर भूकंप जैसी स्थिति आ जाती है, या फिर कुछ भी ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो बच्चे निकलेंगे कैसे, बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे, बच्चे उसी में पिसकर मर जाएंगे, जिस तरह से दिल्ली में कांड हुआ। पटना के भी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो पार्किंग एरिया में चल रहे हैं, बेसमेंट में चल रहे हैं, वहाँ भी आने वाले दिनों में अनहोनी, एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। और उसके बाद फिर से ये सरकार जगेगी, ये प्रशासन जगेगी, और उसके बाद जब मीडिया में खबरें छपती हैं तो ये प्रशासन जगता है और घाटा निरीक्षण करवाती है। और कहीं ना कहीं जो है लॉस जो है वह बच्चों का होता है, जिस प्रकार तीन पेरेंट्स का होता है, जिस प्रकार औरंगाबाद के नवीनगर की बेटी तानिया की मौत हो गई और पूरे औरंगाबाद में जो है एक दुख की लहर है, लोग जो है उसके घर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आखिर दोष किसका है, दोष किसका है, क्या दोष कोचिंग संस्थान वालों का है, क्या प्रशासन इस पर लापरवाही बढ़ती है, पेरेंट्स का कि हम क्यों भेजें, पेरेंट्स का भी गलती है कि पेरेंट्स उन चीज़ों को देखकर क्यों नहीं एडमिशन करवाएं कि बेसमेंट में कोचिंग चलता है वहाँ पे आपने एडमिशन करवा दिया, आपने सुरक्षा मानकों को नहीं देखा, तो यह बड़ा सवाल है। अच्छा रत्नेश, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से औरंगाबाद की एक लड़की वहाँ पहुँची थी और उसके साथ ये सब चीज़ें हुई, पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जिस भी कोचिंग संस्थान में या जहाँ पर भी अगर आप एडमिशन कराते हैं अपने बेटे बेटियों का, तो उस कोचिंग संस्थान का डिटेल्स जानें, वहाँ के मुझे लगता है कि जो ऑनर हैं उनसे एक बार जाकर जरूर मिलना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भाई आप अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए वहाँ पर भेज रहे हैं, ना कि उनको जैसा हुआ घटना, ये घटना मुझे बहुत मतलब दुखद घटना है, बहुत 3-4 दिन से ये चल रहा है कि दिल्ली में ऐसा हो गया, एक छात्र की मौत हो गई, छात्राएं जो हैं उसमें वो उनकी जीवन भर, अब उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार का तो जीवन बर्बाद हुआ ना, एक उम्मीद था, उनके दादाजी कैसे रो रहे थे कैमरे पे आकर के, बहुत उम्मीद के साथ भेजा था उन्होंने पढ़ाने के लिए। तो मैं गार्जियन से भी ये कहूँगा कि एक बार आप जाकर दिल्ली रहें, राजस्थान रहें, पटना रहें, कहीं पर भी रहें, एक बार जाकर के कोचिंग संस्थान को देखें, गार्जियंस को जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। आप जाकर के कोचिंग संस्थानों को नहीं देखेंगे, सर से बातचीत नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, एक गारंटी, मुझे लगता है कि एक गारंटी पेपर भी बनवा लेना चाहिए कोचिंग संस्थान वालों से कि भाई अब अगर हम अब छात्र जो हैं हमने अपने बेटे को दिया है, एक महीने के, दो महीने के, एक साल, दो साल, जितने साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके अंडर में, तो सुरक्षा का क्या गारंटी है कि आप सुरक्षित हैं, सुरक्षा मानकों पर आप किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, तो एक गारंटी पेपर पर सिग्नेचर करवाना चाहिए कोचिंग संस्थानों से। जिस दिन ये शुरू हो गया ना, बिहार और देश भर के कई कोचिंग संस्थान मुझे लगता है शुभम जी बंद हो जाएंगे, ताले लटक जाएंगे अगर गारंटी पेपर पर सिग्नेचर होने लगा तो। हालांकि देखिए, ये एक अनहोनी घटना है, जो गार्जियन थे या जो छात्र छात्राएं थीं उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ये अनहोनी घटना है, लेकिन अपने आप को जागरूक रखना, सजग रखना बेहद ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप पढ़ने पढ़ाने भेजते हैं बच्चों को, उनके भविष्य की चिंता करते हुए आप उन संस्थानों में घूमें, जाकर के देखें कैसी पढ़ाई हो रही है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
कैसा व्यवस्था है वहाँ पर, ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भीषण गर्मी में जब छात्र छात्राएँ पढ़ती हैं तो मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत स्थिति खराब हो जाता है वहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं विकट परिस्थिति है, इसे संभालना बेहद ज़रूरी है, और गार्जियन से यही हम निवेदन करेंगे कि एक बार ज़रूर कोचिंग संस्थान में घूमिए, छात्र जाके शिक्षक शिक्षिकाओं से मिलिए, एक दिन पूरा आप कोचिंग संस्थानों में जाकर अपने बच्चों के साथ बैठिए, कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या हो रहा है, सर से लगातार कंसल्ट कीजिए, क्या मतलब व्यवस्था है, कैसा चल रहा है, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत, और सबसे ज़्यादा प्रशासन की लापरवाही है उसको भी ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। जी, एक और चीज़ कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि आज मैं वीडियो भी देख रहा था कि इस तरह दिल्ली के छात्र जो हैं पीजी हॉस्टल और लॉज में रह रहे हैं, तो कोचिंग संस्थानों के साथ साथ पीजी में जो बच्चे रहते हैं, लॉज में जो बच्चे रहते हैं, दिल्ली के साथ साथ बिहार में भी, उन सभी लॉज मालिक पीजी मालिकों को का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है कि वह किस तरह पीजी और लॉज चला रहे हैं। तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हैं जहाँ पर एक छोटे से कमरे में बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, वहीं पर छोटा सा बाथरूम भी है और उसमें खाना किचन भी वहीं पे है। तो कहने की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, धड़ल्ले से ऐसे पीजी हॉस्टल चल रहे हैं। पटना में भी जो है एक छोटा छोटे 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 कमरे में जो है बच्चे रह रहे हैं, ना कोई इमरजेंसी गेट है, और सैकड़ों बच्चे रह रहे हैं, हजारों बच्चे रह रहे हैं एक पीजी हॉस्टल में। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को भी चेक करने की आवश्यकता है, सरकार को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, नहीं तो आगे चलकर इन विषयों पर भी भारी अनहोनी हो सकती है और बच्चों की जान जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में वारदात हुई, एक तरीके से सही कहिए तो बहुत दुखद घटना हुई, इस पर हमने चर्चा की कि किस तरीके से गार्जियन और साथ साथ स्टूडेंट्स को भी अपने लाइफ को लेकर थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। फिलहाल जांच पड़ताल में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।